₹50 का एक ऐसा यंत्र जिसको लगाते ही बिन बोलता आदमी भी बोलने लगता है, और इसको किसी वैज्ञानिक ने नहीं बल्कि बनाया एक साधारण से टॉय मेकर ने। डॉक्टर विशाल राव इसको अब तक लगभग हजारों मरीजों के लगा भी चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी और कारीगरी को, और मिलते हैं उन मरीजों से भी। नमस्कार सर। नमस्कार। हमने सुना आपने एक ऐसा यंत्र बनाया जिसे लगाने से बिन बोलने वाला आदमी भी बोलने लगता है, तो थोड़ा सा बताइए सर इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और ये बनता कैसे? ये लकड़ी दूधी का लकड़ी है। अच्छा अच्छा। बहुत ही स्मूथ रहता है, उसमें कुछ केमिकल कुछ भी नहीं है लकड़ी के अंदर। ये हमारे जो छोटा सा चना पटना का लेथ है जी जी जी, उसमें लेथ में फिट करके, जैसे ये आपने ऑलरेडी एक सेट करी हुई है, सेट किया हुआ हूँ, उसको जो शेप चाहिए वो जो हमारे जो डॉक्टर विशाल राव ने बोल के है वो इस हिसाब से हम बनवा रहे हैं। अच्छा, ये वाली जो टूल से जो आप बना रहे हैं वो ये है? हाँ सर, ये इस पे तो ये अलग है, मतलब रंग थोड़ा सा अलग दिख रहा है। इस पे कलर चढ़ाया क्या आपने? एक बार दिखाइए वो कलर कौन सा है जो आप यूज करते हैं। यही कलर सही है। ये क्या है? ये तो सर लकड़ी सी लग रही है, लाकरवेयर है, इससे रंग हो जाता है, इससे कलर आएगा। ओके। अच्छा, इसको सिर्फ टच करने से ही रंग छोड़ देता है अपना। ये चीज क्या कर रहे हैं आप? ये तो कुछ अलग है, ये पत्ती वगैरह आपने ले रखी है हाथ में। ये इसको गरीब बोलते हैं। क्या चीज़? ये भी एक पत्ता है। ओके। जो आसपास विलेजेस में जो तालाब रहता है ना, उसी जगह पे ये इसका पेड़ का क्या नाम है इसका? इसको हम ताले गिरे बोलते हैं। ताला गिरे, आम भाषा में, यहाँ लोकल लैंग्वेज। ओके। बस काम क्या करता है ये? फिनिशिंग का? फिनिशिंग के लिए काम आएगा। ओके। ये अब आप इसको कट करके अलग कर लेंगे? अलग कर लेंगे। अच्छा, ये तो उस टूल का एक हिस्सा हो गया, बाकी इससे कौन कौन से होते हैं वो भी दिखाइए हमें। ये भी एक वुड है। ओके। ये भी इसी में काम आती है? ओके ओके। ये हमारे डॉक्टर साहब के कुछ आइटम्स हैं। अच्छा, ये तो होगा, ये भी लकड़ी होगी, ये भी लकड़ी होगी, ये सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन हो गया। ये सर जैसे लकड़ी वगैरह का इसमें आप इस्तेमाल करते हैं और ये शरीर के अंदर जाता है तो नुकसान नहीं देता क्या बॉडी को? नहीं सर, नुकसान तो नहीं होगा। इसके अंदर एक सिलिकॉन का एक पार्ट रहेगा, वो पार्ट सिर्फ अंदर जाएगा। ओके ओके ओके। ये सिर्फ डालने के लिए ठीक है, ये काम आएगा। और फाइनल बिल्कुल मैं आपको इसका प्रोडक्ट दिखा देता हूँ दोस्तों, इनके पास एक बार इसको दिखाइए इनको। ये इनका बॉक्स है, एक बार इसको खोल के दिखाइए सर। ये देखिएगा, ये वही सेम बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट है। और हमारे साथ पेशेंट है जिनके आज से 10 साल पहले ये वॉइस बॉक्स डला था। नमस्कार सर, आप बोल पाएंगे? थोड़ा सा बताइए कि आपका नाम बताइए, नाम क्या है? मेरा नाम नारायण स्वामी। नरेंद्र स्वामी। नारायण स्वामी। ये कितने दिन पहले डला था आपके वॉइस बॉक्स? 10 साल का पहले। 10 साल पहले। तो बोलने में ज्यादा समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है? थोड़ा बहुत होता है। ये आपने हाथ लगा रखा है, अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं बोल पाएंगे? ओके। नहीं, बात करने को था। अगर हाथ लगाओगे तो बात कर पाओगे? वो तो वॉइस बॉक्स सब निकाल लिया। अच्छा अच्छा, वॉइस बॉक्स निकाल लेते हैं। निकाल लिया, सब निकाल लिया। ओके ओके। अच्छा, इनके हमारे साथ इनके बेटे हैं सर, एक बार आप इधर आ जाइए। तो प्रवीण जी, ये पिताजी हैं आपके? हाँ, मेरे पिताजी। आज से 10 साल पहले इनको, तो ये जैसे 10 साल हो गए हैं इनको इस वॉइस बॉक्स को यूज करते करते, तो प्रॉब्लम आती है क्या ज्यादा? मतलब कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? वही अभी डॉक्टर विशाल राव से हमको ये हुआ था ना जी, तो उससे से ये अभी चेंज करना है। अभी लास्ट 2 वीक्स पहले जाके क्लीन करके चेंज करके आया है डॉक्टर से। चेंज हो चुका है या होगा? हो चुका है। तो ये कितने दिन में चेंज हुआ आपका? अभी ये जैसे 10 साल पहले लगवाया था, उसके बाद अभी चेंज हुआ है जब से? नहीं नहीं, सेंटर में एक टाइम हुआ है। कितने दिन बाद? 5 ईयर्स के बाद में हुआ। मतलब 5 साल में एक बार बदलवा देते हैं आप, फिर 5 साल बाद फिर बदलवा देते हैं? वो कैसा यूज करता है ऐसा तकलीफ जो कैसा वो यूज करेगा ना? अच्छा, वैसा अच्छा। वो जब प्रोडक्ट वैसे पार्ट आ गया तो भी वो निकल के दूसरा डालना पड़ेगा। हाँ। और इन्हें ज्यादा देर तक बुलवा भी नहीं बुला सकते, वो स्ट्रेन जैसे नहीं लेना, ज्यादा नहीं लेना। अच्छा, सर्दियों में, गर्मियों में, बरसात में कुछ ऐसा मौसम? समर में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये विंटर सीजन में थोड़ा प्रॉब्लम है, रेनी सीजन में प्रॉब्लम है। हाँ, विंटर में क्योंकि नॉर्मल आदमी के भी नाक बंद हो जाता है, वैसा ही उसको भी ब्लॉक हो जाता है। उस टाइम डॉक्टर के पास जाके हम वो सक्शन करके लेके आएगा, उनको एडमिट करके 2-3 दिन उधर रहना पड़ेगा उधर हॉस्पिटल में। और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक, कोई साइड इफेक्ट ऐसा साइड इफेक्ट कुछ नहीं, आराम से खा सकता है। आराम से और नॉर्मल बातचीत भी हो सकती है इनकी, अपनी जरूरत की बात तो ये कर ही सकते हैं ना, यही चाहिए और क्या है। अच्छा सर, ये क्या चीज है इनके हाथ में, ये थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? ये आके वो खाने से दादा तो खाना करने के लिए मुश्किल नहीं रहेगा, इसे लगा के खाना खाएगा वो, कंपल्सरी परमानेंट रहना है ट्यूब। ये तो लारी ट्यूब। लारी ट्यूब। अच्छा 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 अच्छा, इसको लगा के खाना वाना खा सकते हैं? वो क्या हो जाए, लीक नहीं हो जाएगा, क्लीन से डालना अंदर होगा, जरा मुश्किल रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, उस पे बड़ा भी आएगा छोटा भी आएगा, वो सही यहीं पे सेट रहता है बस। हाँ ओके। अच्छा, जैसे ये बाहर जाते हैं सेफ्टी क्या बरतनी होती है? सेफ्टी वो कपड़ा वो टॉवल जैसा आएगा ना, मफलर डाल के जाना है, फुल कवर करना है। अच्छा। और बहुत डस्ट का जगह में पानी में कॉटन है ना,
वो कॉटन क्लॉथ ऐसा डालना है उसको, वो ऐसा मतलब धूल मिट्टी से बचाव करना, बचा करना है, ओके। बहुत मुश्किल है ना, धूल मिट्टी से बचाव करके रखना है ताकि धूल मिट्टी ना, ओके ओके। पहले ये 20,000 से 30,000 रुपीस तक होता था, इंस्ट्रूमेंट ही इतने रुपए का आता था, और जो आपने इसकी कॉस्ट घटा के मात्र 50 रुपए कर दिया, सिर्फ 50 रुपए में हम बना दिए। तो ये जो आइडिया था वो आपका था या डॉक्टर विशाल रॉय का था? हमारे डॉक्टर विशाल रॉय का आइडिया था ये। जी जी जी। कितनी मतलब दिन लगे थे आपको ये बनाने में? 2-4 घंटे लग गए हैं। कुल 2-4 घंटे? हाँ। चंद घंटों में आपने ये 20,000 से कॉस्ट 50 रुपए कर दिए? हाँ सर। अभी हम SCG हॉस्पिटल में है बेंगलोर के अंदर, हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल राव जी। नमस्कार सर। नमस्ते। सर सबसे पहले ये जो वॉइस बॉक्स है ये हम देख चुके हैं कैसे बनता है, ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, वॉइस बॉक्स के बारे में। सर एक्चुअली जब हमने इसका आविष्कार किया था, अभी ओवरऑल वर्ल्ड में 3 आविष्कार है इसके ऊपर, पेटेंट जिसको दिया गया है, एक अमेरिका का है, एक यूरोप का है, और एक हमारा हमारे देश से इंडिया का है। ओके। ये ओम प्रोस्थेसिस का जो मेन इसका जो तरीका है, बाकी दो देशों के जो व्यवस्था और जो मशीन है उनसे ऐसा कुछ अंतर में विचित्र अंतर नहीं है उसमें। मुख्य काम ये क्या करता है कि आवाज की पेटी को, जब कैंसर की वजह से आवाज की पेटी नष्ट हो जाती है तब उन लोगों में ध्वनि आवाज की पेटी को निकाला जाता है। ओके। ये यूजुअली Stage 3 के कुछ केसेस में या Stage 4 में होता है, जिसके कारण वो आवाज की पेटी में बात करने के लिए, खाना खाने के, सहायता करने के लिए और सांस लेने में क्षमता उसकी कम हो जाती है। तो कैंसर को क्योर करने के लिए और लंग को बचाने के लिए आवाज की पेटी को निकाला जाता है। तो पर्टिकुलर ये वॉइस बॉक्स सिर्फ कैंसर पेशेंट के लिए ही कारगर है? कैंसर पेशेंट के लिए ही कारण है, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स में आवाज की पेटी खराब है बट हमारा ब्रेन एक्टिव है। Okay. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है, क्योंकि आप समझो कि कंप्यूटर है आपके सामने। okay. और कंप्यूटर का स्क्रीन यहाँ पे है। hmm. बट उसका CPU नीचे है। hmm. अब मैं स्क्रीन को चेंज करूंगा। hmm. तो नया स्क्रीन जो भी मैं मिटाऊंगा उसमें वही आइकॉन दिखेगा जो CPU में है। hmm. कंप्यूटर में वो क्योंकि उससे रन हो रहा है। वैसे ही हम लोग जब बात करते हैं हमारे ब्रेन से, आप आज के डेट में आवाजें जब हम सुनते हैं अमिताभ बच्चन की, लता मंगेशकर का, किशोर कुमार का, पहचान लेते हैं, आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये आइडेंटिटी हमारा ब्रेन बनाता है। ये ब्रेन का जो आइडेंटिटी होता है कैसे होता है, जब मैं किसी से बात करता हूँ कि आपका नाम क्या है, तब वो हमारे कानों में गूंजता है, कानों के पर्दों को गूंज के वो जो सिग्नल है कानों की हड्डियों में जाके कान के नस में जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल बन के फिर वो भेजे में जाता है, भेजे में प्रोसेस करके वो जो आपका नाम क्या है बोल के प्रोसेस होता है। ओके। और फिर सामने वाले जो बेजे का हिस्सा है उससे आवाज का तैयारी होता है। जो हमारे आवाज की बेटी को बोलता है कि इस तरह से आप गिटार का स्ट्रिंग जैसा बजता है, सितार का स्ट्रिंग जैसे बजता है, वैसे ही म्यूजिक बनाओ कि मेरा नाम बोल के वो बनाता है। तो सॉफ्टवेयर सारा इधर है, ये एक मीडियम का काम करता है, ये हार्डवेयर का काम करता है, स्क्रीन का। ओके। तो ये हमको काफी सालों तक पता था। 1935 में जोसेफ बेक का एक आर्टिकल था इंटरनेशनल एक जर्नल में। okay. कि एक पेशेंट जो आवाज की पेटी के कैंसर के कारण पीड़ित था और जिसका यहाँ पे एक होल था, बड़ा फ्रस्ट्रेट होके उसने एक हीटेड नाइफ की तरह कुछ लेके अपने आप को मारने का कोशिश किया। बात ये हुआ कि वो उनको जीने का कुछ हान नहीं हुआ बट वो बात करना शुरू कर दी। अच्छा, मतलब मरे तो नहीं बट वो बात करना शुरू कर दिया, छेद होने की वजह, वहां पे छेद होने की वजह। ये सबसे पहला आविष्कार का जब लोगों को पता चला कि अगर वहां पे सॉफ्टवेयर अच्छा है ब्रेन, तो हार्डवेयर अगर नहीं है तो वो चेंज किया, तो ब्रेन जो खाने की नली है उसको हार्डवेयर बना सकता है। ओके ओके। तो ये हम लोग जब 3 इडियट्स का मूवी देखते हैं तो आमिर खान जी बोलते हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ये वही फॉर्मूला है कि अगर ब्रेन को ऑल इज वेल समझा गया तो वो आवाज की पेटी को ना होते हुए खाने की पेटी को आवाज की पेटी बना सकता है। तो ये मशीन जो क्या करता है, वहां पे बैठ के खाने की नली को आवाज की पेटी बना देता है। ओके। ये खाने की नली को चेंज कर देता है आवाज की पेटी, आवाज की पेटी, खाना भी उसी से जाता है और ब्रेन को कंफ्यूज कर देता है। नहीं, खाना भी उसी से जाता है, खाना भी उसी से जाता है, तो दोनों काम एक साथ कराने का सहायता करता है। अच्छा, इसमें एक चीज मेरा सवाल ये आता है कि लकड़ी का जो ये काम है, ये तो ऑब्वियस बात है, यही है मेरे ख्याल से, यही आविष्कार तो यही हुआ होगा, ये बाहर तो देश में नहीं हो रहा होगा। नहीं, ये आपके माइंड में आइडिया कैसे आया कि भाई ये लकड़ी में कोई टूल बनाऊ, इसके बारे में तो क्या? एक्चुअली ये बड़ा विचित्र ये था कि एक्चुअली काफी 6 महीने की, इसके आविष्कार के 6 महीने बाद भी हम लोग काफी स्ट्रगल कर रहे थे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि लोग जो रिप्लेसमेंट के लिए जब 6-6 महीने में आते हैं, रिप्लेसमेंट के लिए 1 साल में आते हैं, तब हम लोग मशीन को बिठाने के लिए ऑपरेशन थिएटर लेके जाने के बिना अगर OPD में ही चेंज कर सकते हैं तो उसके लिए एक यंत्र चाहिए था, टूल चाहिए। वो टूल जो है बनाने के लिए हम लोग हमारे इंजीनियर के साथ डिजाइन कर रहे थे कि वाल्व सिस्टम है अंदर में, एक बहुत ही डेलिकेट कुछ सिस्टम जो खराब नहीं होनी चाहिए, उसके साथ ये कैप्सूल है, उसको सबको प्लान करते वक्त जब हम लोगों ने ये पूरा सिस्टम बनाया, तब ये डिजाइन हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स था बनाने का। ओके।
तब हम लोगों ने हमारे इंजीनियर से जब बात कर रहे थे, 6 महीने तक हम विचार कर रहे थे, ट्रायल्स कर रहे थे, प्रोटोटाइप बना रहे थे, कुछ हल नहीं निकल रहा था। उस टाइम में एक अजीब सा चीज़ हुआ कि हम हमारे फैमिली के साथ हेल्थ एंड ग्लो शॉप में गए। ओके, हेल्थ एंड ग्लो शॉप में जाके देखा कि टेम्पून का बॉक्सेस पड़ा हुआ था जो हमारा बच्चा फेंक रहा था नीचे, तो उठा के हम ऊपर रख रहे थे, तो हमको लगा कि टेम्पून का जो बॉक्स को देखे लगे ये तो कॉम्प्लेक्स का आविष्कार नहीं है। तो इसको आइडिया लेके हम वापस पहुंचे कि हमारे इंजीनियरों को दिखाया कि आपको क्या लग रहा है इसमें, तो उन्होंने बोला नहीं ये सर ये तो बहुत ऐसा सिंपल चीज थोड़ी हो सकता है, ये तो हम मेडिकल डिवाइस बना रहे हैं, थोड़ी हम खिलौना बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेडिकल की थोड़ा सेफ्टी की जरूरत है। वो जब उनके मुंह से वो शब्द निकला कि वो थोड़ी ये मेडिकल डिवाइस है, थोड़ी खिलौना है, तब हम सोचने लगे कि शायद कोई खिलौना वाला से हम समझ सकते हैं, समझ सकते हैं आविष्कारों के बारे में। ओके ओके, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि आविष्कार का जो चीजें सिर्फ हमारे हमारे दायरे में होता है। जी जी, पर आविष्कार जो चीजें सब जगह पे होता है, और सबसे बड़ा आविष्कार हम लोग आजकल देखते हैं कि खिलौनों में होता है। हाँ, से एक अलग अलग प्रकार के खिलौने आ रहे हैं। तब हमने हमारे मित्रों को पूछा कि बैंगलोर में मैं खिलौने वालों को कहाँ ढूंढूं, तो उन्होंने बोला यार आजकल तो सारा चाइनीज आता है, कुछ ओरिजिनल हमारे इंडिया में तो कुछ होता नहीं है। तब मेरे एक दोस्त ने बोला कि चन्नापटना में एक आदमी है, वो साइंस का बड़ा उसको शौकीन है पाशा साहब को, तो उसको जाके मिलो, शायद वो बना देगा आपके लिए, क्योंकि वो आदमी मेरा जो दोस्त था वो चन्नापटना एरिया का था। okay, okay. मिस्टर प्रवीण बोल के जी, जी. तो प्रवीण जी ने मेरे को बोला विशाल आप जाके चन्नापटना में आप जाके देखो, तो हम जाके चन्नापटना गए, देखा ये छोटा सा एक रूम में छोटा सा, हाँ, बिल्कुल होल इन द वॉल बोलते हैं उसको हम जी, जी, जी. मतलब दीवार में एक छेद की तरह बनाया हुआ जगह पे कौशल पास बड़े मग्न होके वो साइंस के टूल बनाते थे। तो मैंने उनको ये दिखाया कि मुझे ये समस्या है और मुझे ये इंसर्टर बनाना है, तो साहब ने देख के बोला कि मैं तो 2 घंटे में बना दूंगा आपके लिए। अच्छा, मैंने बोला साहब ये तो बड़ा पेचीदा सा मेडिकल डिवाइस है। बोले नहीं सब हमारे लिए तो आसान है। मैंने बोला मैं तो ऑटोकैड ड्राइंग भी लेके नहीं आया हूँ इंजीनियरिंग का। बोले नहीं वो सब तो हमको जरूरी नहीं, हम देख के ऐसे अंदाज में बना देते हैं। और 2 घंटे में उसने बना दिया प्रोटोटाइप, सिर्फ 2 घंटे में। और इसमें खासियत ये था कि उसने वेजिटेबल ऑयल यूज किया है, हाँ, वो तो हार्मफुल नहीं होगा थोड़ा हेल्थ के लिए। और इसमें उसने सिंपल सा डिजाइन्स का स्पेसिफिकेशन लेके उसने एक इंसर्टर बनाया है, और ये ऑटोक्लेव भी हो सकता है, डिस्पोजेबल भी है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो इस तरह से ये प्रोटोटाइप बना था कौशल पाशा जी के हेल्प से और उनकी सहायता से ये बना था। काम कैसे करता है, जैसे अब स्टार्टिंग में तो ये नहीं डलता, ये जब मतलब चेंज जब हम रिप्लेस करते हैं तब मैं इसको सिर्फ ऐसे करके यहाँ पे डालता हूँ। ओके, और ये पर्टिकुलर माध्यम से इसको लॉक, कौशल जी ने एक छोटा सा लॉक बनाया इसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये लॉक से हम लोग इसको लॉक कर देते हैं ये एरिया से। अब ये देख रहे हैं अभी ये लॉक कर दिया इसने मैंने, ठीक है, तो ये स्लिप नहीं होता। ओके ओके, ये लॉक हो गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैप्सूल डाल के उसको गले के अंदर डाल देते हैं। अच्छा, अंदर कैप्सूल डालने का काम करता है ये डिवाइस। ओके, इसके थ्रू क्या अंदर जाता है, किस तरीके से? ये हम लोग ये एक्स्ट्रा पीस जो है, अच्छा, कुछ लोगों में बहुत डीप रहता है आवाज की पेटी, बहुत डीप रहता है, तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम लोगों ने एक और प्लास्टिक एक यंत्र है, तो एडिशनल अगर ये जरूरत पड़ा तो सेम टेक्निक है। इस तरह से हम लोग इसका लॉकिंग सिस्टम बनाते हैं। लॉक सिस्टम बनाने के बाद इसको यहाँ पे ब्लॉक करके, लॉक करने के बाद हम लोग ये एरिया को और ये एरिया को जोड़ देते हैं। ओके, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि ये मशीन को हम अंदर डाल पा रहे हैं इस तरीके से, और इसको घुसाने के लिए यहाँ से बाहर आ सकते हैं। ओके ओके, तो ये एक्स्ट्रा वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कैप्सूल अंदर रह जाएगा। हाँ, ये एक्सेसरी हम देते हैं हम लोग बेसिकली, ताकि अगर कुछ लोगों में जिनमें ओवरऑल गले का छेद अगर छोटा रहा तो ये हेल्प हो सकता है। ओके, बट ये रूटीनली हम यूज नहीं करते, बट ये बैकअप के लिए दिया जाता है कि अगर कुछ दिक्कत हुआ या प्रॉब्लम हुआ तो उस टाइम में ये यूज किया जा सकता है। अच्छा, अब तक कितने पेशेंट के डल चुका होगा सर? सर अभी करीबन 2000 पेशेंट अभी इसको यूज कर रहे हैं। 2000? हाँ, अलग अलग वर्ल्ड ओवर की अलग अलग जगहों से। और अच्छा, अच्छा। अभी हमारे पास करीबन 144 कंट्रीज का भी रिक्वेस्ट है कि जो पुअर कंट्रीज हैं, जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, इनफैक्ट अभी तो कनाडा से, यूएसए से, सिंगापुर से, अच्छा, बहुत सारे कंट्रीज से इसके रिक्वेस्ट आ रहे हैं आपसे। बट ये स्केल अप करने का जो इसका प्रयास है, इसको थोड़ा और टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये जो लास्ट 8 साल का हमारा श्रम है बहुत मुश्किलों से गया हुआ है। जी बिल्कुल, हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम अलग ही तरह से हमारी ओरिजिनल सोच और ओरिजिनल विचारों से लेके जाएंगे। जी जी, वो हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो ये प्रोडक्ट ही सिर्फ नहीं बनाया है हम लोगों ने, इस प्रोडक्ट के साथ एक फिलोसफी भी बनाया है कि हर गरीब पेशेंट को जो वर्ल्ड के कहीं भी कोने में हो, अगर उसके पास पैसा ना हो तो वो बात करने की क्षमता से हमारे मशीन के माध्यम से बात कर क्योंकि इंडिया का एक ये तोहफा है दुनिया के लिए। बिल्कुल, के और हम तो वैसे भी फेमस है इस चीज के लिए, हम महंगी चीजों को सस्ते में बना के देते हैं लोगों को, महंगी चीज को सस्ती में बनाते हैं। बट हमारी तरफ से मेरा एक और प्रयास इसमें है कि ये महंगी चीज जो है सस्ती बनाने में फिलोसफी जो लगा है, एक तरफ से इसमें प्रयास है कि जो पेशेंट्स जो इससे यूज हो वो प्रेरित हो के
आज के डेट में इंसानियत बचा है और मेडिकल फ्रेटर्निटी में वो इंसानियत होना बहुत जरूरी है। कि आज मैं ये नहीं बोल सकता कि भगवान ने जब हम सबको आवास की पेटी एक साथ दिया, मैं एक साइड को बोलूं कि आपके पास पैसा है तो आपको मिलेगा, दूसरे साइड को पैसा नहीं तो नहीं मिलेगा, ये गलत हो जाता। हम लोग भी आविष्कार जब करते हैं तो सोशली रेलेवेंट प्रॉब्लम को देख के करते हैं और हमारे लिए सिर्फ नहीं कर रहे हैं, हम लोग दुनिया के लिए सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को। और आज के डेट में मेरे ख्याल से पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेके कोने कोने अफ्रीका के देशों में लोग जब इसको लेकर बात कर रहे हैं और हजारों पेशेंट लोग, जैसे ईरान ने थोड़ा टाइम पहले हमको लिखा कि 5,000 पेशेंट यहाँ पे वेट कर रहे हैं, उनको हेल्प चाहिए। तो किस तरह से हम ऐसे पेशेंट्स को लेके जाएं, किस तरह से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को सेटअप करें, किस तरह से इस पर्टिकुलर मशीनरी को सस्टेन कर पाए, इसको स्केल अप करें, ऐसे चर्चाएं चल रही हैं आजकल। और मेरे ख्याल से ये प्रयोग जो है आजकल का नहीं है, इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में जुड़ के हम हमारे सहायता करके हमको इसको अलग देश के मकाम पे लेके जाने का एक प्रयास करना पड़ेगा और इसको सस्टेन करना भी जरूरी है। अगर एक बार सिर्फ इस डब्बे की मैं बात करूं जो हमने देखा है, इस वॉइस बॉक्स की, इसकी क्या कीमत है सिर्फ इसकी? सो ओवरऑल टोटल अगर आप प्राइवेट अगर मैं बात करूं, हाँ, तो रफली अबाउट बिटवीन 10,000 to 12,000 रुपीस के अंदर इसका पूरा खर्चा होना चाहिए। सर एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस टूल को सिर्फ आप ही डाल सकते हैं या इंडिया में कोई और भी डॉक्टर इसको डाल सकता है? सो यूजुअली कोई भी ट्रेंड हेड एंड नेक सर्जन या ईएनटी सर्जन ये आवाज की पेटी को डालना या रिप्लेस करने में उसमें शर्मता रहती है। और हमारे पास एक कस्टमर केयर भी है जिसे वो डायल करे, फोन करे और उसमें से पेशेंट को अगर कोई डाउट है तो स्पीच थेरेपिस्ट है, पेशेंट्स भी हैं जो उनको हेल्प करते हैं। जैसे आप लोगों ने इंटरव्यू किया पेशेंट्स को, वैसे पेशेंट्स आगे आके हेल्प करते हैं पेशेंट्स। और वो कस्टमर केयर से कैसे कॉन्टेक्ट किया जा सकता है सर, कोई नंबर है क्या? तो वो नंबर वेबसाइट में दिया गया है, उनको वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कौन सी। www.innovation.com बोलके उसका वेबसाइट है, वहां पे संपर्क किया जा सकता है। अच्छा समझिए कोई पेशेंट बैठा हुआ है किसी दूसरे राज्य में, समझिए कोई उत्तराखंड में बैठा हुआ है, वो उसको इस चीज की जरूरत है तो वो इस वेबसाइट के थ्रू ही कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू ही कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, वो वहां से टूल बॉक्स लेगा, वो वहां से हेल्प सारी मिल जाएगी, और अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करके वो डलवा सकता है। ओके, थैंक यू सर।